साल में गाँव आए मेरठ के अंदर? 10 साल में विकास काफी हुआ है। सड़कें हैं, कॉलेज हैं, धर्मशालाएं हैं, भिन्न भिन्न जगहों पर अच्छे तरक्की की है। जनता का रुझान बीजेपी की तरफ है। मजदूर को कोई दिक्कत नहीं है, सुनवाई भी सही कर रही है ये सरकार, काम धंधा भी सही कर रही है। मोदी जी ने सारे काम कर रखे है, बिजली, लाइट, सब कुछ, सारी चीज। मकान भी मोदी बनवाने को दे रहा है, सब कुछ दे रहा, खाने को भी दे रहा, सब कुछ दे रहा, मोदी कर रहा है सब कुछ। नमस्कार, मेरा नाम है मुन्ना सैफी और जार्प मीडिया की चुनावी कवरेज मेरठ पहुंच चुकी है। मेरठ के लोगों के दिल में क्या है, मेरठ की जनता इस बार किसकी गारंटी पर अपनी गारंटी दे रही है, चुनाव में वो क्या चाह रही है, मेरठ के क्या मुद्दे हैं, पिछले सालों में काम हुआ है कि नहीं जो उनसे पूरे वादे किए गए थे चुनावों के दौरान, और इस साल क्या उम्मीद कर रही है मेरठ की जनता, यही जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं। क्या माहौल है मेरठ में, किसका रुझान भारी है, कौन सी पार्टी आगे है? देखो मेरठ में तो अरुण गोविल हैं जो राम का पाठ करते थे। हाँ, वो टेलीविजन में। हाँ, वो चल रहे, बीजेपी आगे है। बीजेपी का ही वो है, और जो प्रचार हो रहा है वो सब बीजेपी का ही हो रहा है। अन्य गाड़ी कोई दिखती ही नहीं यहाँ, बीएसपी सपा कोई दिखाई नहीं देती गाड़ी है, सिर्फ बीजेपी की गाड़ी दौड़ रही है। हाँ जी, 10 साल में गाँव आए मेरठ के अंदर? 10 साल में विकास काफ़ी हुआ है। अच्छा, और जैसे सड़कें हैं, कॉलेज हैं, और ये धर्मशालाएं हैं, मतलब भिन्न भिन्न जगहों पर अच्छे तरक्की की है इन्होंने। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था, हाजी याकूब साहब जो हार गए थे, बीएसपी के टिकट पे थे, बहुत कम मार्जिन से हारे थे, क्या इस बार भी कुछ ऐसी टक्कर का मुकाबला रहने वाला है? ऐसा कुछ नहीं है। मेरठ इस बात को कैसे समझती है कि जो राजेंद्र अग्रवाल है मौजूदा एमपी, उनका टिकट काट के राम को, अरविंद गोविल को दे दिया गया जो राम का किरदार निभाते थे, इसको कैसे से देख रही है मेरठ की जनता? वो जो है उन्होंने कुछ काम नहीं किया था, राजेंद्र अग्रवाल ने कोई काम नहीं किया। अच्छा। हमारा खुद का खरंजा था, वो भी नहीं बना था। अच्छा। वो दूसरे कौन सा होता, डूडा कोटा से वो बना था, बीच वाला मेन रोड था वो, तो डूडा से बनाता है। इसने एक गली कूटे, सौमेंदर तोमर जो विधायक हैं, इन्होंने भी कोई काम नहीं किया क्षेत्र में। लेकिन अरुण गोविल से उम्मीद लग रही है, कल आए थे वो, कि उन्होंने भरोसा दिया और मैं यहाँ काम करूँगा, और काम होना भी चाहिए। बस बीजेपी का ही रुख है, और जो बीजेपी की सारे जो ना मतलब की चर्चा चल रही है चार चौफेरे, हाँ, तो यही है बीजेपी का। बीजेपी जीतेगी, काम हुआ है 10 सालों में? हाँ, 10 सालों में काम हुआ। जैसे मतलब क्या काम हुआ? जैसे मतलब कि लाइट है, रास्ते हैं, और जो स्कूल हैं, तो सब सारे काम हुए। जो आपसे वादे किए गए थे जब चुनाव हुए थे पिछली इस बार, वो पूरे हो गए? और इस बार नए मुद्दे क्या रहेंगे? अब बस नए मुद्दे जो भी है सरकार का, जो भी ये करेंगे वही नए मुद्दे होंगे। मैनिफेस्टो देखा बीजेपी का? हाँ, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस बार कुछ तो मुद्दे नए मुद्दे जोड़े आपने, या कि हमें ये चाहिए? नहीं, हमें तो मजदूरी करनी खानी। सपा और बीएसपी को कैसे देखते हैं? बस जो उनकी सरकार है वो अपना चल रही है जैसे भी है, पर बाकी जो है बीजेपी कर दे पाएंगे बीजेपी को इस बार कोई विपक्ष का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, केवल बीजेपी ही निकलेगी। एक तरफ लहर है ठीक, एक ही तरफ लहर है। अरे हाँ, बीजेपी चल रही है। अच्छा, एक तरफ ही जाएगा, एक तरफ जाएगा। बाबा, आपका नाम क्या होगा? सलीम। सलीम साहब, क्या लगता है मेरठ की जनता क्या चाह रही है, बदलाव चाह रही है या रिवाज वही रखना चाहती है? रिवाज तो वही रखना चाह रही है, वही रखना चाह रही है। कैसे, क्या मतलब क्या हुआ ऐसा? क्या ये है कि गरीब मजदूर को कोई दिक्कत नहीं है, और सुनवाई भी सही कर रही है ये सरकार, काम धंधा भी सही कर रही है। तो रिवाज वही रहेगा, वही रहेगा। सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल ही खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश वालों का यही मुद्दा रहता है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, ये हर एक उसमें देखते हैं। वो सब खत्म हो चुका, और तरक्की भी काफी हो रही है, लोगों के मकान भी बने हैं, और मकान भी बने हैं वैसे भी है, हर चीज की वो है, सिलेंडर भी बटे हैं। तो मेरठ के मुसलमान भी इस बार बीजेपी की तरफ?
मेरठ के मुसलमान भी काफी हैं। ज्यादा जो है ज्यादा बीजेपी की तरफ है, और यहाँ जितने भी मतलब ये काम धंधे हो रहे हैं। दलित वाला कार्ड खेल पाएंगे बीजेपी यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, यहाँ और कोई वैसा कैसा कांड नहीं है यहाँ से। ये तो सब जो है एकजुट हो गई, सब काम जो है। गर्मी बहुत हो रही है और गन्ने की दुकान पे लोग गन्ना का जूस पीने के लिए खड़े। सर आपका नाम क्या होगा? मोहनलाल। मोहनलाल, मोहनलाल साहब चुनाव आ गए हैं, मेरठ की जनता का क्या मूड है? किसकी हवा भारी है, किस पार्टी की हवा भारी है? बोल तो भाजपा का ही है, कमल का। और क्या भाजपा का, वो क्यों? इसके तीन चार साल हो गए तो और को बदलने में क्या फायदा है? एक जगह जमे रहो। मोदी के देने जाओगे वोट तो? मोदी के दोगे? क्यों आगे रेल वेल चलवा दी हमारे यहाँ। अच्छा, मेट्रो बोल रहे हो? हाँ, मेट्रो चलवा दी और नए नए हाईवे वाईवे बन रहे, बहतरी चीज करवा रहा। अच्छा, तो ये आपके मुद्दे रहेंगे? हाँ। तो यहाँ पे मेरठ में क्या बीजेपी क्या करवा रहे? बीजेपी की हवा होगी मेरठ में? बीजेपी की हवा है? हाँ। किसकी हवा भारी है? बीजेपी की। यहाँ तो बीजेपी की है। हाँ जी। वो क्यों? वैसे काम अच्छा करेगा उसकी सरकार आएगी। अच्छा, उसे वोट देंगे। सपा और बसपा कुछ खाता खोल पाएंगी? नहीं जी, मैं बीजेपी पे जाके वोट बोल। बीजेपी भी जाएगी? हाँ। अच्छा, कैसे कैसे बढ़िया काम हो रहा है? क्या काम बढ़िया हुआ है? बढ़िया, सारा बढ़िया हो रहा है। अरे बताओ ना, कैसे क्या मकान बढ़िया हुआ है? जनता को पता तो लगे कि मेरठ की जनता का काम बढ़िया हुआ है। मकान भी मोदी बनवाने को दे रहा है, सब कुछ दे रहा, खाने को भी दे रहा, सब कुछ दे रहा, मोदी कर रहा, सब कुछ बढ़िया कर रहा है। सपा बसपा कुछ खोल पाई खाता? नहीं खोले। नहीं खोलेगा? खोलेगा। अच्छा, पिछली बार तो बसपा ने टक्कर दी थी यहाँ पे बीजेपी को, सही वाली? नहीं, बेशक से दियो बीजेपी का ही राजा ना। इस बार भी? हाँ। तो मेरठ की जनता इस बार बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाना चाहती है? बिल्कुल। 26 अप्रैल को वोटिंग है मेरठ में, किसकी हवा भारी है? बीजेपी, बसपा, सपा, कौन आगे है? अभी जोर सबका है। सबका है? हाँ। अच्छा, वो क्यों? बस लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी की लहर है यहाँ पे। ऐसा भी अंतर कुछ भी हो सकता है, ये तो समीकरण है, जैसा भी होगा टाइम बताएगा। तो पोलिंग खुलने पर काम हुआ है बीजेपी की सरकार में मेरठ में 10 सालों में? बिल्कुल, दंगे की चौक पर, रोड पर। अच्छा, क्या क्या काम हो गया? सब काम हो रहा, क्या नहीं हो रहा बताओ? आप बताओगे ना? वो तो सब काम हो रहा है, गुंडागर्दी खत्म हो रही है, सब कुछ खत्म हो रहा है। मेरठ की जनता का क्या मूड है? बदलाव चाह रही है या रिवाज वही रहेगा? बदलाव तो नहीं चाह रही है, चाह रही है और फैसिलिटी ज्यादा हो, अच्छा वो मिले। अच्छा, बस यही है। काम हुआ है 10 सालों में? हाँ जी, काम तो हुआ है, हो रहा है, होएगा। ये सड़क बन रही है, जितनी भी है हाईवे बने हैं, ये सब अभी बने हैं, पहले तो कोई नहीं बने थे। 108 की एम्बुलेंस सेवा है, ये पुलिस की जो गाड़ी आती है इसकी बहुत फैसिलिटी है। बसपा या सपा बीजेपी को टक्कर दे पाएगी मेरठ सीट पे? देखो, ये टक्कर देना तो चुनाव के बाद पता चलेगा, जब वोट खुलेगी। वैसे टक्कर देना मुश्किल है लग रहा है। क्या 10 सालों में पार्टी में काम हुआ है जो आपसे वादे किए गए थे? कमल पे ही चल रहा है। कमल पे ही चल रहा है, वो क्यों? बस कुछ काम अच्छे करे हैं इसलिए। कुछ काम मतलब कैसे? एक दो पता लगे? जैसे काफी अच्छे कर रहे हैं वो, और दो क्या बताएं, क्या बात, एक दो चाहिए। भ्रष्टाचार तो खत्म होना चाहिए, वो तो होता ही नहीं। भ्रष्टाचार आपके लिए एक मुद्दा है? हाँ, वो तो खत्म होना चाहिए। हाँ। और क्या सपा या बीएसपी की इतनी सारी योजनाएं आती हैं तो वो पूरी मिल नहीं पाती, तो भ्रष्टाचार कारण तो नहीं मिल पाती। अच्छा, तो इसलिए तो खत्म होना चाहिए। और जो सरकारी योजना आती है उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 10 चक्कर काटने पड़ते हैं अभी भी। हाँ, तो अभी तो वही सरकार है ना फिर तो। हाँ, तो ये थोड़ा बहुत इसमें बदलाव आ जाए, वैसे तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा, और हो जाए तो और ज्यादा अच्छा होगा। मोदी जी ने सारे काम कर रखे, बिजली, लाइट, सब कुछ, सारी चीज सुविधा, 370 आर्टिकल, सारी चीज है। बहुत कुछ हो गया जी, बहुत कुछ बदल गया 10 साल में तो। सड़कें अच्छी हो गई, लाइट अच्छी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। अच्छा, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो गई, देश की तरक्की होगी, सब कुछ हो गया, सारी चीज बहुत अच्छी चल रही। सपा और वो खाता खोल पाएंगी बीएसपी? सपा और बीएसपी का तो पता नहीं मुझे भाई, मोदी का तो पता। अच्छा, मोदी का पता, उनका पता, ये सीट बीजेपी के खाते में जाने वाली है। हाँ, मेरे हिसाब से तो मेरठ की। हाँ, मोदी जी की क्यों ओकी लग रही है? हाँ, मोदी जी ने काम इतने अच्छे करे हैं। अच्छा, क्या काम किया है? धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, इससे बड़ा क्या हो सकता हमारे लिए? और बस मोदी जी तो मोदी जी हैं। अच्छा, और बाकी जो इंडिया गठबंधन है, क्या चीज़, जो बाकी विपक्ष है इंडिया गठबंधन जो है, समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस, सब कोई नहीं है टक्कर में मोदी है। मोदी की टक्कर में कोई नहीं, कोई है, पक्की बात है, पक्की बात। किसकी तरफ? जनता का रुझान बीजेपी की तरफ है। अच्छा, वो क्यों है? वो विकास बढ़िया हो रहा, सारे काम अच्छे हो रहे, इसलिए है। सपा और बीएसपी खाता खोल पाएगी यहाँ पे?
मत लगता नहीं। 400 पार आपके तो बीजेपी 400 पार है इस बार। हाँ जी। वो नारा सही साबित होगा? बिल्कुल पक्का। अरुण गोविल का आपने नारा सुना था क्या? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अरुण गोविल को यहाँ से टिकट मिला है और राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कट गया है, ऐसा क्यों हुआ है? क्या मेरठ की जनता इसको कैसे देखती है? भैया मतलब अच्छे है, श्री राम का रूप है बिल्कुल, और क्या नाम है मतलब बढ़िया वो भी थे, क्या नाम है उनका, राजेंद्र अग्रवाल भी और ये बढ़िया अरुण गोविल भी। अरुण गोविल एक बयान देता आपने सुना हो तो उन्होंने बोला था कि 400 पार अगर मोदी जी कुछ कह रहे हैं तो बहुत सोच के समझ के कह रहे हैं। उन्होंने बोला था संविधान जब लिखा गया था उस वक्त की परिस्थितियाँ कुछ और थी, अभी की परिस्थितियाँ कुछ और है, इसके मायने निकाले जा रहे हैं, हमने निकाले, सोशल मीडिया पर लोगों ने निकाले, आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, मेरठ की जनता इसको कैसे समझे? भैया ये संविधान की तो खैर ये विपक्ष है या कुछ भी कहता रहा, वरना ऐसा कुछ नहीं है, मतलब संविधान विधान तो सब सही है, बाबा साहब ने बढ़िया लिखा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, और वो चेंज वेंज कुछ नहीं होगी, पर वो ये विपक्ष तो कुछ नहीं, बात लिखा गई वो अपनी तरफ से, क्या मतलब कुछ भी संविधान नहीं बदला जाए, वही रहेगा। हाँ हाँ, चेंज वेंज कुछ नहीं होगा। हाँ, ऐसे अफवाह है मतलब? अफवाह, हाँ अफवाह, सब सब अफवाह है। तो क्या मतलब जब पिछली बार चुनाव हुआ था 2019 में, जी जी, हादी याकूब है जानते हैं अपन को? हाँ जी हाँ जी। बीएसपी के कैंडिडेट थे जी जी, और राजेंद्र अग्रवाल को अच्छी खासी टक्कर दी थी, बहुत कम वोटों से आ रहे थे। हाँ जी हाँ जी। टक्कर थी पिछली बार, क्या इस बार भी ऐसा कुछ होने वाला? कुछ नहीं, अब के तो क्लियर है अरुण गोविल। हाँ क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ये जो आप चारों तरफ को जाते हो, रोड वगैरह, शिक्षा, एक सिर्फ बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी है इस सरकार, महंगाई नहीं, महंगाई तो देखो कोई भी सरकार है वो नहीं रोकती। अच्छा, महंगाई हर सरकार में आती है, बताओ कौन सी सरकार है कि महंगाई नहीं है। माहौल तो जो मतलब माहौल तो ठीक है, मगर भाजपा की सीट कुछ कम हो सकती है। अच्छा, इस बार कम होगी? हाँ जी, क्योंकि कारण ये है कि पब्लिक का कारोबार खत्म हो चुके हैं। अच्छा, और बच्चों की नौकरी भी खत्म कर दी है। अच्छा, कोई पेंशन खत्म कर दी गई है, ठीक है जी। तो इसलिए जो है ना विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, विकास हो रहा तो रोडों का विकास हो रहा, बच्चों का कोई विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, बट ठीक है, कुछ ना हर सरकार कोई काम ऐसा करती जो फिर दोबारा से मौका मिल जाए। भाई इन्होंने राम मंदिर है, 370 है, कुछ उधार ऐसी है। आप इसको क्या आप इसको ध्यान में रखिए, वोट देंगे क्या किसे? ये राम मंदिर जो हमारे बच्चे कामयाब नहीं हो रहे, तो हम तो उसकी तरफ जाएंगे, अपने बच्चों की तरफ अपनी मतलब बच्चों के मुद्दे उठाएंगे, इस मुद्दे नहीं उठाएंगे। जी 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 जी, इनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है? इनका इंटरेस्ट अब खत्म है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब ये है, आपके बार चुनाव हो रहे हैं, आपके बार फर्क दिखाई दे रहा है पिछले वाले से? आपके बार खूब फर्क दिखाई देगा, इस बार ज्यादा फर्क दिखाई देगा। अच्छे, बेरोजगारी की वजह से? अच्छा हाँ भाई, बच्चों की नौकरी खत्म कर दी। अच्छे, रोजगार कुछ नहीं रहे है जी, तो और बताओ इसके अलावा क्या चाहिए पब्लिक को? क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, बच्चों के मतलब विकास चाहिए, और वही खत्म हो रहा तो क्या रह जाएगा फिर है जी। भाई हर महकमे की पेंशन खत्म करते जा रहे हैं, आज तक कोई विधायक हो या कोई मंत्री हो उसकी कोई पेंशन खत्म हुई हो तो मुझे बताओ आप है जी। इन्हों की विकास मतलब जो सेना उसकी भी पेंशन खत्म करते जा रहे हैं लोग है जी, बताइए अब आप क्या। फिर ये पिछली बार बसपा ने टक्कर दी थी यहाँ के राजेंद्र अग्रवाल को, इस बार भी कुछ ऐसा होने वाला है? देखो जी, अब तो ये तो मौका ही बताएगा क्या सिचुएशन रहे क्या नहीं रहेगी, मगर रुझान कम लग रहा है पब्लिक का मेरे को, रुझान कम लग रहा है। हाँ जी, चलो जी। अरुण गोविल को जानते हैं? हाँ, अरुण गोविल को जानते, कल परसों उनसे भेंट हुई है हमारी यहाँ पे। हाँ, उनको बीजेपी ने टिकट दिया, राजेंद्र अग्रवाल का कार्ड लिया, ऐसा क्यों है जी? उनको टिकट दिया भाई, इस बात को तो वो ही जान सकते हैं, हो सकता है उनको उस पर विश्वास ना रहा हो कि सीट ना काट पाए, इसलिए उन्होंने जो उसे अनिल गोविल को तारा उन्होंने इस बार इधर से मेरठ क्षेत्र से, क्या समझे जी? ये एक अरुण गोविल का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि मोदी जी ने कुछ कहा है तो बहुत सोच समझ कर कहा है, उन्होंने लिखा हाथ में ये बोला था कि संविधान जब लिखा गया था उस वक्त की परिस्थितियाँ कुछ और है, अभी की कुछ और है। अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, हम भी नहीं निकाल रहे, जो सोशल मीडिया पर यूजर्स हैं वो निकाल रहे हैं, आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, क्या आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, ऐसे बाहर निकाल रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस वीडियो को? संविधान से तो कोई चल सब कुछ चल ही ना रहा, क्या समझे? अच्छा। आज के टाइम में तो मुठमर्दी से चल रहा है, क्या समझे? अगर संविधान से चले तो शायद देश आगे पहुंच जाए और भी। तो ये था मेरठ की जनता का मूड, उन्होंने बताया कि उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किस पार्टी का रुझान है यहाँ पर, या यूँ कहूँ कि किस पार्टी की हवा भारी है। जैसा कि आपने देखा, लोगों को अपने अपने मतभेद हैं जैसा कि आपने वीडियो में देखा, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट करें। मैं आपके साथ गुन्ना सफ़ी हूँ, मेरे कैमरे के पीछे सुनील हैं।